शहर में पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसे हुए हैं, लेकिन अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में बाणगंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोल नाके को लूटने की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल बीते दिनों बाणगंगा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश इंदौर उज्जैन मार्ग स्थित बरौली गांव के शमशान घाट के पास बैठकर इसी मार्ग पर स्थित टोल टैक्स को लूटने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर कार्रवाई करते हुए अज्जू ठाकुर, अभिषेक गुरु, आनंद ठाकुर, योगेश ठाकुर और उम्र ठाकुर को हिरासत में लिया है। इंदौर पूर्व SP यूसुफ कुरैशी ने एक प्रेस वार्ता कर बदमाशों के बारे में खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि यह 5 आरोपी डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। बदमाशों के पास एक पिस्टल, कारतूस, गुप्ती, टॉमी, चाकू, छुरे सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस को इनके पास से 11 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल सहित 4,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अंकुश लगाने के लिए लगातार जो है पुलिस प्रयासरत है और इसी तारतम्य में बाणगंगा पुलिस को जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो है लवकुश चौराहे के आगे जो सांवेर रोड है वहाँ पर जो टोल नाका है वहाँ पर डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने उस सूचना को डेवलप किया और घेराबंदी करके जो है 5 बदमाश पकड़े हैं, जिनमें जिनके नाम क्रमशः अज्जू उर्फ अजय राठौर, अभिषेक उर्फ गुरु, आनंद, योगेश उर्फ योगेश्वर ठाकुर, उमेश, उमा उर्फ माया ठाकुर, इनको पकड़ा गया और इनके कब्जे से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक गुप्ती और एक लोहे की टॉमी, 3 चाकू बरामद हुए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से जो है 10 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त हुई हैं, जिनमें से 5 की FIR जो है पुलिस को प्राप्त हो गई है। 5 उसमें चोरी के अपराध दर्ज हुए हैं। शेष मोटरसाइकिल का पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। इसके अलावा इनके कब्जे से जो है 10 मोबाइल भी जब्त हुए हैं जो इन्होंने विभिन्न वारदातों में जो है लोगों से छीने थे। इस संबंध में पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है कि ये वारदातें कहाँ कहाँ की, उनके फरियादियों के बारे में पुलिस जानने का प्रयास कर रही है। तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे तो पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है। इसमें हमारी टीम को जो है नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है और इनका PR भी लिया जाएगा, जिसमें इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ वारदातें की हैं, कहाँ कहाँ अन्य अपराध किए। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने अपने निजी शौक के लिए या जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए जो है इन्होंने जो है ये वाहन चोरी किए थे या अन्य किसी गैंग को ये सप्लाई करते थे, इस संबंध में इनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके इन आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी हम लोग आसपास के जो थाने हैं उनसे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि हमें मोटरसाइकिलें और मोबाइल जब्त हुए हैं तो हम उनके फरियादी के आधार पर संबंधित जो है जिलों के थानों से संपर्क करेंगे कि वहाँ इनके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। ये इंदौर उज्जैन रोड पे जो टोल नाका है उसको लूटने की इनकी योजना थी और लूट में जो हथियार इनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने थे वो सभी इनसे जब्त किए गए।